शुक्रवार को मूसलाधार बारिश से नगर पंचायत तलाड़ौर से करोड़ों के विकास कार्य और सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। बारिश होने से कस्बे के कई मोहल्लों और मकानों और दुकानों में 2 से 3 फीट पानी भर गया, जिससे कस्बेवासियों में आक्रोश व्याप्त हो। कस्बेवासियों ने नगर के कई स्थानों पर नगर पंचायत में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने निकासी का बंदोबस्त नहीं करने पर बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। खानपुर से सुशील कुमार झा की रिपोर्ट। लोगों से पूछा जाए कि भाई ये विकास कार्य जो पैसा वेस्ट हो रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है, जो सही कार्य है वो क्यों नहीं हो रहे हैं। ये तो एक प्रॉपरली मामला जो है ये है कि आम जनता का है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक अगर हल्की सी बारिश में ये स्थिति है तो अगर पूरे महीने भर बारिश होगी, बरसात का मौसम है, फिर क्या। बस से बदतर, बदतर से भी बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ तो हर बार घर में घुटनों तक पानी था, मेरे बेड तक पे पानी पहुँच गया, सारी कपड़े की अलमारियों में सब में पानी भरा हुआ है। आप चल के देख लें, लगभग पिछले 6-7 साल से तो यही हालात है। जब भी बारिश हो गए घरों में पानी भरना और हम निकालते निकालते परेशान हो जावे। के सामने है देख लो, कहा है कोई टेंडर को में दिखाई दे रहा है, क्या है क्या नहीं है, कोई सफाई दिखाई दे रही हो, इधर भी चले जाओ इधर पानी, उधर चले जाओ उधर पानी, इधर चले जाओ इधर पानी, और 3 घंटे हो गए बारिश रुक गए तब ये कंडीशन में। मैं खुद लोगों के घरों में गया हूँ और मैंने जाके देखा है बहुत पानी भरा हुआ है, लोग खाना बनाने से नाश्ता बना करने से परेशान है।